कि जब ये गाना आएगा तो ये गाने की जो केमिस्ट्री है वो बहुत पसंद आने वाली है लोगों को। बहुत गाने आते हैं कि एक दो बार सुनने के बाद मन नहीं करता उस गाने को सुनने का, बट ये एक गाना ऐसा है कि गाने का मन करता है सुनने का बार बार रिपीट मोड पे। ये गाना एक मुलाकात वाला फील आ रहा है, शायद उसको बीट करेगा। इस गाने के पीछे बहुत सारी मेहनत है, इस गाने को हिट करें और इस गाने को सुने। जैसे आप मेरे बाकी गानों को अपना प्यार देते हैं, इस गाने को भी उतना ही प्यार दें। तो यही मेरा मैसेज है कि ऐसे ही हमेशा अपना प्यार देते रहें। अल्ताफ भाई, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि गाना रिलीज़ होने वाला है और आपने गाना गाया है, सिंगर हैं आप और बुलंदशहर सर ने उसको डायरेक्ट किया है, सूर्या जी उसमें एक्ट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे गाने के बारे में और आपके सिंगिंग के बारे में? सर, सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ पूरी टीम को, और स्पेशली मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ सूर्या भाई को। ये मैंने इनमें जो बात देखी है, मतलब ये ऑलराउंडर है, हर चीज़ इनके हाथ में है, और जिस तरीके से ये मेहनत करते हैं मुझे ऐसा लगता है बहुत आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो आपके अंदर पेशन है और हर चीज़ है, मतलब जो एक स्टार में होनी चाहिए वो मुझे हर बात सूर्य भाई में लगी है। और जो हमारी एक्ट्रेस हैं, आपको भी बधाई, आपने भी बहुत अच्छा काम किया और बहुत खूबसूरत काम किया और बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है मुदस्सर भाई ने, और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत खूबसूरत गाना है, मैंने कोशिश की अच्छा गाने की, और मुझे उम्मीद है कि जब ये गाना आएगा तो ये गाने की जो केमिस्ट्री है वो बहुत पसंद आने वाली है लोगों को, और जो हमारे सुपरस्टार, अपकमिंग सुपरस्टार सूर्या भाई, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, और बहुत कम लोगों से मेरा दिल मिलता है, उसमें से एक सूर्या भाई है। मैं जब फर्स्ट टाइम मिला था मुझे नहीं पता था कि हमारी दोस्ती इतनी खास हो जाएगी, बट सूर्या भाई में वो बात है कि ये लोगों को अपना बना लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस गाने के जरिए सूर्या भाई पूरे हिंदुस्तान की जो ऑडियंस है उसको अपना बना लेगा। अल्ताफ भाई, कितना कनेक्ट करेगा ये लोगों का आज के ऑडियंस को, क्योंकि काफी सारे गाने हर आपने देखे ही, हर रोज रिलीज होते हैं सर, हर चैनल पे, तो किस तरीके कनेक्ट करेगा ऑडियंस? ये गाना देखिए क्या होता है, ये तो क्या होता है, गाना हम म्यूजिक से रात दिन हम लोग इसी काम में मतलब घुसे रहते हैं, गाने एक से एक सुनते हैं और एक से एक गाने बनाने की कोशिश करते हैं, बट जब ये गाना आएगा मुझे लगता है ये कनेक्ट करेगा, क्योंकि ये गाना ऐसा गाना है, इस गाने को हम लोग रिपीट मोड पे मैं सुनता हूँ अक्सर। बहुत गाने आते हैं कि एक दो बार सुनने के बाद मन नहीं करता उस गाने को सुनने का, बट ये एक गाना ऐसा है कि गाने का मन करता है सुनने का बार बार रिपीट मोड पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सुन रहे हैं, मैंने जब गाया, मैं सुन रहा हूँ बार बार, तो मुझे लगता है ऑडियंस के दिल को ये गाना छुएगा इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा लिखा सूर्या भाई ने, और इतने हैंडसम लग रहे हैं आप, इनको मुबारकबाद दीजिए। सूर्या भाई का लुक और बात होती है ना, वो मुझे लग रहा है तो बहुत मोटिवेशन है सूर्या भाई। तो सूर्या भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अल्ताफ भाई के साथ? अल्ताफ भाई का एक्सपीरियंस, जब अल्ताफ भाई को पहली बार अप्रोच किया मैंने, भाई ने कहा ठीक है करते हैं गाना करते हैं, पहली बार कुछ बोला ही नहीं, भाई करते हैं। और जब भाई घुसे पहली बार स्टूडियो में, तो उसने हमारी चली थी कंपोजिंग, भाई ने सुनते ही कहा ये गाना एक मुलाकात वाला फील आ रहा है, शायद उसको बीट करेगा, ये पहला फील था। और उसके बाद भाई ने जो अपना आउटपुट दिया, मतलब एक ऐसे नहीं गा के चले गए ना, इन्होंने समझा अपना प्रोडक्ट, ये मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मुलाट पिक्चर, इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ मुदस्सर या किसी का भी, ये मेरा गाना है, भाई ने अपना गाना समझ के जितना एफर्ट हो सकता था उतना एफर्ट दिया पूरा। भाई वियतनाम थे, मैंने स्पेशल बोला पीछे पड़ के आओ आओ, नहीं तो इवेंट नहीं होगा। भाई स्पेशल कल फिर हमारा कल फिर इवेंट है, भाई सीधा एयरपोर्ट से आ रहे हैं, मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ अभी, और ये प्यार है, आपको दिख भी रहा होगा, बहुत जल्दी जल्दी मैं आया हूँ, मेरी बात, हाँ बैग भी हाथ में। और उसके बाद जब मैंने गाना सुना इनको, ये कह रहे क्या गाना है, ये गाना है या खुदा की कोई, क्या है ना बैक टू बैक शोज और बैक टू बैक ट्रेवल चलता है ना, तो उसमें याद नहीं रहता, तो हमारी बात हो रही थी तो हवाबाजी में मैंने बोल दिया हाँ शायद मैं 13 तारीख को हूँ, बट फिर मुझे मेरे इवेंट थे बैक टू बैक, तो बट सूर्य भाई ने जब बोला तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट आता हूँ एयरपोर्ट से, डायरेक्ट आपके पास आता हूँ। सीमा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि जब मुझे ये गाना ऑफर हुआ था, जब मुझे सूर्या जी ने बताया था इस गाने को, तो मेरा पहला सवाल यही था कि कौन गा रहा है, और जैसे उन्होंने कहा कि अल्ताफ भाई भी गा रहे हैं, और मैंने कहा कि अल्ताफ भाई क्या मैसेज देंगे ऑडियंस को इस गाने के लिए, आपके फैंस को?
देखिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ ऑडियंस को, मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस गाने के पीछे बहुत सारी मेहनत है, और जिस तरीके से हमारे जो एक्टर हैं सूर्या भाई, उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से, देखिए क्या होता है, पैसा तो इंसान लगाता ही है, पैसा बड़ी बात नहीं होता, लेकिन जो उसके पीछे उसकी मेहनत होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अगर मेहनत किसी चीज़ पर हुई है और वो मेहनत अगर सफल हो जाए, तो फिर जो मेहनत करता है और जो हर चीज़ से खड़ा होता है एक काम के लिए, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है इस मेहनत को कामयाब करें, पूरी टीम की मेहनत है, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इस गाने को हिट करें और इस गाने को सुने, जैसे आप मेरे बाकी गानों को अपना प्यार देते हैं, इस गाने को भी उतना ही प्यार दें। तो यही मेरा मैसेज है कि ऐसे ही हमेशा अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया।